नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम अजमेर की ओर से आज दशहरा महोत्सव और रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन सहित पार्षदगणों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पटेल मैदान में स्मार्ट सिटी के कार्यों के दौरान चल रही अव्यवस्थाओं को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। रावण दहन इस बार भी पटेल मैदान में किया जाना तय हुआ है। हमारे आज रावण दहन और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर समिति की बैठक थी महापौर महोदय के अध्यक्षता में। हमारे द्वारा और हमारे पार्षद अधिकारियों द्वारा आज इस पटेल मैदान का दौरा किया गया। स्मार्ट सिटी में आके काम चल रहे हैं, लेकिन इसके कारण से बहुत अव्यवस्थित स्थिति है, उसको ठीक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको जल्दी पूरा करवाने के लिए, और आने के जो रास्ते हैं, अग्रवाल स्कूल के सामने का रास्ता, हमारे जिला परिषद के सामने से आने का रास्ता, इंडोर स्टेडियम का रास्ता, इन रास्तों को त्वरित गति से बना करके आने वाले 3 दिन में यहाँ की सफाई व्यवस्था और यहाँ फैली हुई जो मिट्टी और जिस प्रकार का गंदगी है उसको दूर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और रावण दहन के लिए इस स्थान तय हुआ है कि यहाँ पर रावण दहन और VIP के बैठने की व्यवस्था अलग से की जाएगी, और चारों गेट में अलग अलग जो एंट्री है, सामान्य जो व्यक्ति आने वाले उनके लिए, भगवान राम की जो यात्रा शोभा यात्रा आती है उनके लिए जो हमारा जिला परिषद का गेट है वो तय किया गया है। VIP एंट्री जो है इंडोर स्टेडियम से रहने वाली है, अग्रवाल स्कूल के सामने का जो गेट है उससे आमजन वो आने वाला है। यहाँ पर उनके बैठने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। जो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनकी साफ़ सफाई करके वहाँ पर दरिया बिछा दी जाएंगी, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जहाँ पर जो 4 मंच बनते हैं भगवान श्री राम का, जो जहाँ स्थापना होती है, जहाँ मंदिर लगाया जाता है वो, और जहाँ पर हमारे पार्षदगण और पार्षद परिवार और अधिकारी हमारे जो बैठते हैं, अधिकार हमारे निगम परिवार के सदस्य बैठते हैं उनके लिए मंच अलग बनाया जाएगा, और जो हमारे विशेष अतिथि जो आने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनके लिए अलग मंच की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। रावण का जो पुतला है वो भी कमोबेश तैयार है, अब उसको लगाने की व्यवस्था यहाँ पर तुरंत त्वरित गति से की जा रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थिति है उसमें लगता है कि अभी काम की गति बहुत धीमी है, इसको तेज करने के लिए और यहाँ की जो व्यवस्था। प्रदेश भर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके चलते आज अजमेर के चंद्रवरदाई स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलों की शुरुआत की गई। बता दें, ब्लॉक स्तर पर जो टीमें जीती थी वह अब जिला स्तर पर खेलेंगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अजमेर की 11 पंचायत समितियों से टीमें आई है, जिनके बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस दौरान अजमेर प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार की उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, जिला कलेक्टर और आयुक्त मौजूद रहे। सरकार की बजट घोषणा के अनुक्रम में, जैसा कि आपको मालूम है कि 29 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तरीय खेलों की शुरुआत हुई थी, उसके पश्चात ब्लॉक स्तरीय खेल हुए, और उसी क्रम में आगे जो ब्लॉक स्तरीय जो टीमें जीती थी उनका आज यह जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन है, आज शुरुआत है, और ये 3 दिन तक चलेगा, 29 सितम्बर, 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर। इसमें अजमेर जिले के विभिन्न 11 पंचायत समितियों से जो विजेता टीमें यहाँ पर आई है और उनके बीच में ये यहाँ प्रतियोगिताएँ होगी, और ये चंद्रबलदाय स्टेडियम है, यहाँ ये 3 दिवसीय खेलकूद आयोजन का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ प्रशासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्था इनके लिए, ठहरने के लिए, खाने के लिए, पानी वगैरह सभी की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि मैंने अभी आपको अनुरोध किया ही था कि ये जो खेल है, खेल से प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहयोग की भावना पनपती है, और न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना का भी विकास होता है और विश्व मंदत्व की भावना का विकास होता है। और आज के ज़माने के अंदर इस चीज़ की पूरी आवश्यकता है। लोग मोबाइल के अंदर भटके हुए रहते हैं, उनमें घुसे हुए रहते हैं, केवल अनावश्यक रूप से एक समय निकाल कर वो खेल कूद के लिए देते हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनका जो है स्वास्थ्य भी सही रहता है, स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों सही रहता है, और उस दौरान कम से कम उस समय के अंदर व्यस्त रहता है। और मैं इस बारे में आप लोगों के माध्यम से जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा, अभी वह मंच पर कहना मैं भूल गया था कि स्वास्थ्य उस पैरा ये सदैव कहता है कि इलाज करा उससे पहले की बीमारी होवे नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हमारे जो सरकार ने, जो भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने नशा मुक्ति जो अभियान चला रखा है वो, उसकी भी पूरी आवश्यकता है, उसका भी यहाँ प्रचार प्रसार होना चाहिए कि आदमी न तो नशा करे और न बीमारी हो, न कोई इलाज की जरूरत पड़े। और इसके अलावा मूल रूप से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी व्यक्ति खेल में, आप इस चीज़ का ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए,
यादव साहब को भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जब व्यक्ति अपने मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, अपने खेल कूद में इन जो बिजी रहता है, वो जो उस समय होता है, उस समय के दौरान तो कम से कम वो व्यक्ति कम से कम नशे का सेवन नहीं करता है। यदि साफ सुथरा रोटी खावे, पानी पिए, कोई नशे का सेवन नहीं करे और खेल कूद की भावना से खेल के टाइम खेल करे, खेल कूद की एक्टिविटीज। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने आज वाहन चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। बता दें, गत 28 जुलाई को परिवादी ने वाहन चोरी होने की रिपोर्ट क्रिश्चनगंज थाने में दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, पहले भी आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज है। दिनांक 28/7/2022 को लोकेंद्र सिंह नाम के एक परिवादी ने थाना आजा पे एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी HF डिलक्स गाड़ी थी RJ01FS4789, जो यहाँ सदगुरु ऑफिस के नीचे खड़ी थी, जो चोरी हो गई थी, जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया। शहर में चोरी नगबजनी की घटनाएं बढ़ने से चुनाराम जी ने स्पेशल निर्देश दिए गए, जिसमें एडिशनल SP श्री विकास सांगवान साहब, CO मैडम छवि शर्मा जी के निर्देशन में एक टीम तैयार की गई मेरे थाना आ जाएगी, जिसने टीम पे मनीष पुत्र चंद्रपाल हरिजन, उम्र 21 साल, निवासी मकड़वाली को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक तो उक्त मुकदमे की चोरी की मोटरसाइकिल और एक अन्य दूसरी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसे 102 CRPC में जब्त किया गया। मुलजिम के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके पूर्व में 363/66 का मुकदमा और एक चोरी का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। अजमेर के मदारगेट कबाड़ी बाजार में स्थित 2 दुकानों के बाहर तोड़फोड़ कर चोरी करने का मामला सामने आया है। बता दें, बुधवार रात कबाड़ी बाजार क्षेत्र में स्थित मयूर बर्तन भंडार व भाटिया स्काई शॉप के बाहर देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुवार सुबह जब बाजार खुला तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही दोनों दुकानों के मालिक अपनी दुकान पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बर्तन की दुकान है, रात को पट्टियाँ जो हमारी लगी हुई थी उसमें थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, वो हमने रिपेयर करा के करीब 11:45 बजे यहाँ से हम गए, 11:45 के बीच का समय हो रहा था। उसके बाद हम गए, सुबह हमें सूचना मिली कि आपके दुकान की बाहर की जो पट्टियाँ हैं वो किसी ने तोड़फोड़ करी हैं और पास वाले का शटर भी तोड़ने की कोशिश करी है। टूटा नहीं है, ऊंचा थोड़ा सा हुआ है और टूटा नहीं है, थोड़ा सा माल भी थोड़ा सा चोरी हुआ है, अनुमानित राशि भी है नहीं और उसका आकलन करके बताया जाएगा कितना माल चोरी हुआ है। फिलहाल पुलिस में हमने FIR दर्ज कराई है और मामला कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है और मामले की तहकीकात। मयूर बर्तन भंडार के नाम से दुकान है जो बर्तनों की है और एक भाटिया स्काई शॉप है, 2 दुकानें हैं जिनमें तोड़फोड़ हुई है और मामला चोरी का है। वो अभी पुलिस की छानबीन चल रही है, अब पुलिस तहकीकात पे बताएगी कि थाईलैंड ग्लोमर की ओर से आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में अजमेर की बेटी संतुष्टि व्यास ने राजस्थान के गौरवशाली जीवन शैली को प्रस्तुत किया। बता दें, देश भर में इस प्रतियोगिता के लिए ग्लोमर की ओर से 50 से ज्यादा ऑडिशन राउंड करवाए गए थे, जिसमें संतुष्टि व्यास ने अपनी कड़ी मेहनत से फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के दौरान अपने शालीन व्यवहार की वजह से उन्हें मिसेज इंडिया क्रेजिनियलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं संतुष्टि व्यास राजस्थान अजमेर की रहने वाली हूँ और मैंने हाल ही में अभी ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया प्लस साइज 2022 में पार्टिसिपेट किया था, जिसके देश भर में 50 से भी ज़्यादा ऑडिशंस हुए थे। और क्योंकि मैं इस वक्त हैदराबाद में रह रही हूँ तो मैंने अपना ऑडिशन हैदराबाद में दिया था और एज अ फाइनलिस्ट मैं सेलेक्ट। और हाल ही में अभी इसका 20 सितंबर को थाईलैंड फुकेट में फिनाले हुआ, जहां पर मैं भी गई थी एज अ फाइनलिस्ट। और वैसे तो वहां पर बहुत सारे राउंड्स हुए थे और बहुत टफ कंपटीशन था और एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में मैंने अपने राजस्थान के कल्चर को प्रमोट किया पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और मुझे वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा और सम्मानपूर्ण रिवॉर्ड और टाइटल भी मिला, ये मिसेस कंजनैलिटी अवार्ड, और इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत कुछ वहाँ सीखा। और ख़ासकर ये कि हम शादीशुदा औरतें भी किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और मेरा संदेश यही है उन सभी गृहिणी और महिलाओं को भी कि आप किसी भी उम्र में, चाहे शादीशुदा हों, बच्चे हों, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हों, आप चाहें तो अपने सपने किसी भी उम्र में पूरे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी लगन और जुनून की ज़रूरत है और थोड़े से
परिवार के सपोर्ट की भी। और मैंने हाल ही में अभी ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया प्लस साइज 2022 में पार्टिसिपेट किया था, जिसके देश भर में 50 से भी ज्यादा ऑडिशंस हुए थे। गायों में लगातार फैल रही लंपी बीमारी को लेकर अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी के सदस्यों ने अजमेर जिलाधीश से सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया था। इस दौरान संस्था सदस्यों ने कहा कि बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं है कि किस प्रकार से वह गायों के लिए सहयोग कर सकते हैं, जिसको लेकर संस्था ने निगम से प्रार्थना करी कि वह वॉइस मैसेज के जरिए नगर निगम कचरा संग्रहण गाड़ी से लगातार लंपी बीमारी और लोगों द्वारा कैसे गायों के लिए सहयोग किया जा सकता है यह अनाउंस किया जाता रहे, जिस पर अथॉरिटी ने प्रस्ताव को मान्यता देते हुए कार्रवाई शीघ्र करने का आश्वासन दिया है। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा वैशाली नगर अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉप अप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन दिनांक 1st to 2nd October 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा वैशाली नगर अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है माँ एक्सचेंज ऑफर 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए। आपको मिलेंगे पुराने चूनों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराया वैशाली नगर अजमेर 9829072724।